नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि नवोदय विद्यालय कब खुलेंगे, तो नवोदय विद्यालय खोलने को लेकर एक मंजूरी आई हुई है अभी हाल ही में, जो कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए खोले जाएंगे आवासीय स्कूल, जहां पर आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने अपने आवासीय नवोदय विद्यालय स्कूलों को खोलने की हरी झंडी दे दी है। CBSE बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को देखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है, और जिन राज्यों में प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है, उन्हीं राज्यों में नवोदय विद्यालय स्कूल खोले जा सकते हैं। छात्रों को वापस हॉस्टल भेजने का फैसला अभिभावकों पर छोड़ा गया है अभी हाल ही में, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक COVID-19 के कारण मार्च 2020 से जो नवोदय विद्यालय हैं आवासीय स्कूलों को बंद कर दिया गया था और छात्र घर में ही ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। तो CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 4 मई से शुरू करने की डेट शीट भी जारी की है। उसके बाद क्या है, इसके अलावा 10 से अधिक राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों की तैयारी के लिए स्कूल खोल दिए हैं। छात्रों के भविष्य को देखते हुए नवोदय विद्यालय स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी, अर्थात इन्होंने कह दिया है कि बोर्ड कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई के लिए हॉस्टल वापस लौटने का आखिरी फैसला अभिभावक करेंगे। और दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नवोदय विद्यालय के सभी बोर्ड परीक्षाओं के आने के पहले उनके अभिभावकों की रजामंदी अर्थात तो उनकी स्वीकृति लेगा। यदि अभिभावक लिखित रूप से अनुमति देते हैं तो ही ऐसे छात्रों को स्कूल आने दिया जाएगा, उन्होंने ये कंडीशन रख दी है। अब क्या है, हॉस्टल में रहने और मेस के लिए विशेष गाइडलाइन भी बनाई गई हैं इनके द्वारा, कि देश भर के 638 जिलों में 661 आवासीय नवोदय विद्यालय स्कूल हैं और इसमें बोर्ड कक्षाओं में करीब 1.5 लाख छात्र पढ़ते हैं, इसलिए इतने छात्रों के लिए क्या है, हॉस्टल और मेस दोबारा खोलने और कक्षाओं में पढ़ाई के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के मुताबिक क्या है, सामाजिक दूरी 6 फीट की दूरी के तहत मंत्रालय विशेष गाइडलाइन तैयार उन्होंने कर भी दिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 10वीं 12वीं के तो खुलेंगे ही, साथ ही अगले चरण में जो है कि नवोदय विद्यालय अन्य कक्षाओं को भी खोलने की अनुमति देगी। नवोदय विद्यालय के 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं कक्षा के को क्या है, छात्रों को के लिए अगले चरण में स्कूल खोलने की भी तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए मंत्रालय की टीम संभावनाओं पर रिपोर्ट बना रही है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, आपका इंतज़ार खत्म हुआ और आखिर में नवोदय विद्यालय की जो डेट आपको बता रहे हैं कि वो 15 फरवरी से जो कि 2021 उससे खुल सकते हैं, जहाँ सबसे पहले 10th 12th को और उसके बाद अगले चरण में अन्य कक्षाओं को बुलाया जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ जिन्हें बेसब्री से इंतज़ार है नवोदय विद्यालय खुलने का। धन्यवाद।